हेलो दोस्तों, इस वीडियो में वर्ड मार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है? तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन 33 है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है? 33 है। अगला प्रश्न, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 25। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? वाट माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? भाषा की सबसे छोटी इकाई इसे कहा जाता है? वहां को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वर्णमाला नहीं है? ये प्रश्न गलत है, वर्णमाला नहीं, वर्णमाला के जगह में वर्णतालब्य होगा। ठीक है, इसका प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा वर्णतालब्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए का वर्णतालब्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा में कितने स्वर है? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्णमाला वर्ण के प्रकार होते हैं? वर्ण के प्रकार होते हैं तो क्या क्या प्रकार होते हैं? स्वर, व्यंजन और अव्यवहार। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। ठीक है, वो अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, क्या क्या होती है? स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगला प्रश्न आपका स्वर से संबंधित प्रश्न है ये, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, क्या क्या होती है देख लीजिए, अ ई उ ख पी सी। ठीक है, तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आ दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर कौन है? ऑप्शन नंबर बी ई दीर्घ स्वर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्लुप्त स्वर कौन सा है? क्लुप्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ओम क्लुप्त स्वर है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अभी अधिक समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्लुप्त। ठीक है, इसका आंसर होगा क्लुप्त स्वर। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी प्लुत स्वर इसका सही उत्तर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए विपरीत स्वर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य स्वर कहते हैं, आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, मध्य स्वर कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी अ को मध्य स्वर कहा जाता है, याद रखना।
आ को मध्य सर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, याद रखना पश्चसंवृत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो कौन सा स्वर संवृत है, अष्टवसी ई संवृत स्वर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर है, तो अर्ध विवृत स्वर कौन है? ऑप्शन नंबर डी ए अर्ध विवृत स्वर है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को और बनाएंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।